हार्दिक को लगा झटका। बीजेपी ने चली बड़ी चाल, पटेल ने पटेल को दिया धोखा। गुजरात चुनाव की पहले चरण की वोटिंग होने में महज 2 दिन बचे हैं और इस बीच सियासी अखाड़े में राजनीतिक दल तमाम तरह के दांव पेच लड़ा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने हार्दिक पटेल की नींद उड़ा दी है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी को पाटीदार समुदाय में अपनी पैठ रखने वाले दिग्गज नेता नरेश भाई पटेल का साथ मिलने वाला है। बीजेपी ने दावा किया है कि नरेश पटेल अपने समुदाय के लोगों से बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील करेंगे। वैसे कुछ दिन पहले नरेश भाई पटेल हार्दिक से भी मिले थे, जिसकी तस्वीर खुद हार्दिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी और ट्वीट कर लिखा था, पाटीदार समुदाय की कुल देवी खोडल धाम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश भाई पटेल से मुलाकात। जिसके बाद सियासी गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावों में नरेश भाई पटेल कहीं न कहीं हार्दिक का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक पंडितों की माने तो सूबे में पाटीदार वोटरों में करीब 60% लहुआ पटेल हैं, तो वहीं 40% कड़वा पटेल हैं। ऐसे में नरेश भाई पटेल लहुआ पटेल से आते हैं और उनकी पाटीदार समुदाय में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर नरेश भाई पटेल का समर्थन बीजेपी के साथ चला जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हार्दिक पटेल को पटेल ने ही झटका दिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।